रहे हैं यहाँ पे शोएब भैया से बात कर रहे हैं कि मैं 10th क्लास में क्या लूँ, और ये यहाँ पे मैं पहले लॉयर ही बनना चाहता था। तो आप लोग ये सोच रहे हो कि बिना शहरी के रोजा नहीं रख सकते, रख सकते। चल रुक जा, अभी वीडियो खत्म कर ले, फिर ऊपर पापा गिर जाऊंगा मैं। ओ आपका रिजल्ट किस बेसिस पे बना, मतलब जो डर था वही हुआ। इतनी ज़्यादा अजीब लग रही है मेरी शक्ल बिना चश्मे के। सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आसिफ सिद्दीकी। तो मैं हूँ आसिफ सिद्दीकी। हाँ भाई, मैं वही हूँ आसिफ सिद्दीकी। मेरे को पता है कि मेरी शक्ल कितनी ज़्यादा अजीब लग रही है बिना चश्मे के, क्योंकि आपने मेरे को बिना चश्मे के देखा नहीं है ना, तो शायद इसीलिए। वैसे मैंने इंस्टाग्राम पर एक फोटो लगाई थी, वो आप देख सकते हैं। मतलब ये तरीका होता है लोगों की, भाई इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो ऐसा कुछ, मतलब यार सिंपल बोल रहा हूँ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ यार, एक बात, आज मैंने बिना शहरी के रोज़ा हूँ। तो आप लोग ये सोच रहे हो कि बिना शहरी के रोज़ा नहीं रख सकते, रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। लाइक अगर आप रात में सोच के सोते हैं कि हम शहरी में उठेंगे, लाइक जितने भी हम लोग हैं रमज़ान के टाइम पे, तो यही सोचते हैं कि भाई शहरी में उठेंगे, आराम से शहरी करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, सारी सारी चीज़ें करेंगे। अगर आप, मतलब ये सोचने वाली जो चीज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सोचने वाली चीज़ है, यही नियत है। अगर आप रात में नियत करके सोते हैं, मतलब अगर आप रात में सोच के सोते हैं कि हाँ हम शहरी में उठेंगे, लेकिन अगर आप नहीं उठ पाते तो कोई बात नहीं, आप सुबह आराम से उठिए, नियत कीजिए, नमाज़ पढ़िए, बस आपका रोज़ा जो है वो स्टार्ट हो जाता है। बस ये बात है, आज मैं भी बिना शहरी के रोज़ा हूँ, क्योंकि मैं शहरी में नहीं उठ पाया यार। हम लोग रात में सब लोग यहीं पे मेरे वाले रूम में सो रहे थे, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा ठंडा रहता है, बेसमेंट है ये, और यहाँ पर ठंडक काफ़ी अच्छी रहती है। तो सब लोग यहीं पर सो रहे थे और सब आपस में बातें कर रहे थे, जिस चक्कर में हम लोग लेट सोए, लेट सोने के चक्कर में अलार्म का भी पता नहीं लगा, और कोई भी शहरी में नहीं उठा। तो आज सब लोग हमारे घर में बिना शहरी के रोज़ आएँ। सो सिंपल सी बात है यही। मेरा चश्मा गया कहाँ यार, मेरे को ना हाइपरमेट्रोपिया है। हाइपरमेट्रोपिया दूर वाला, चलिए आप बताना हाइपरमेट्रोपिया मायोपिया होता क्या है, ठीक है पता है मेरे को, लेकिन आप बताना फिर भी। आप बिलीव नहीं करोगे मैंने अपना चश्मा कहाँ पे रखा था, फ्रिज के अंदर। तो गाइस, अभी मेरे को जाना है स्कूल अपने भाई के, जो उसका 10th क्लास का रिजल्ट था वो सीबीएसई के थ्रू नहीं आया, तो स्कूल से फोन आया था उसके सर का कि आप एक बार स्कूल आ जाइए, प्रिंसिपल सर से बात कर लीजिए कि आपको कौन सी वगैरह स्ट्रीम चाहिए और किस बेसिस पे वो लोग स्ट्रीम वगैरह दे रहे हैं, ऐसा सर ने बोला था कि बात कर लें एक बार जाके। तो मैं 2-3 दिन से उसको डिले कर रहा हूँ, क्योंकि यार रमज़ान में बहुत ज़्यादा आलस आता है, तो इस चक्कर में मैं 2-3 दिन से डिले कर रहा था। तो आज मैं फाइनली जा रहा हूँ, लेकिन आज भी थोड़ी हालत ख़राब है और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है यार। और स्कूल में जाके मैं ये चीज़ पता चली गई कि 10th क्लास का रिजल्ट किस बेसिस पे बन रहा है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा, मतलब हर कोई, जितने भी बच्चे 10th क्लास में होंगे वो यही चीज़ सोच रहे होंगे कि हमारा रिजल्ट आकर किस बेसिस पे आएगा। तो मैं भी स्कूल जाऊंगा तो मेरे को भी पता चलेगा। मैं भी काफ़ी दिनों सोच रहा था कि रिजल्ट आकर किस बेसिस पे ये लोग बना के देंगे, तो डर सिर्फ इसी बात का है, अगर उन्होंने रिजल्ट प्री बोर्ड के बेसिस पर बना दिया तो बहुत दिक्कत होने वाली, क्योंकि प्री बोर्ड मेरे भाई ने नहीं दिए, क्योंकि हम लोग एंगेजमेंट में गए थे। तो बस अब चलते हैं। तो भीड़ ना पड़े इसके लिए हम लोगों को बिठाया गया थोड़ी देर के लिए, एक एक करके जाना है लोगों को। अगर पीसीए में तो ये आएगा, पीसीबी है तो ये अमाउंट है, कॉमर्स विथ मैथ। तो भाई इन लोगों के तो मजे आ गए, जो रिजल्ट है 10th क्लास का, मतलब जो डर था वही हुआ। प्री बोर्ड के हिसाब से देखो, मेरे भाई ने प्री बोर्ड के एग्जाम नहीं दिए थे, इसने 3 प्री बोर्ड के एग्जाम नहीं दिए थे, क्योंकि हम लोग बहन के एंगेजमेंट में गांव चले गए थे, 2 प्री बोर्ड के एग्जाम दिए थे हम लोगों ने, गांव में बात करी, सॉरी हम लोगों ने स्कूल में बात करी थी मैम से, मैंने एक ब्लॉग बनाया था उसमें शेयर किया था। तो मैम ने बोला तो कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। फिर हम लोग जब गए तो हमको लगा अब दिक्कत होगी, क्योंकि प्री बोर्ड का एग्जाम तो दिया नहीं, और प्री बोर्ड के एग्जाम पे ही मैम बोल रही है कि उसी के बेसिस पे मिलेंगे। फिर मैम से बोला, जब मैम आपसे ऐसी ऐसी बात हुई थी, फिर मैम ने उससे पहले वाले प्री बोर्ड देखा, और उसमें भी अगर दिक्कत है तो मैम उससे पहले वाले देखेंगे, उससे पहले वाले मतलब 9th देखेंगे, फिर 9th के इस बेसिस पे देखेंगे। मतलब एट द एंड मैम ने डायरेक्ट यही बोला, बेटा आपको जो भी स्ट्रीम चाहिए हम दे देंगे, अगर आपका भाई उस स्ट्रीम को कर लेता है तो हम दे देंगे, हमें को देने में कोई दिक्कत नहीं। मैम ने ये बात इसलिए बोली क्योंकि जो इसकी एवरेज परसेंटेज बन रही थी वो 70-80 की थी, और हमारे स्कूल में 80+ होनी चाहिए साइंस लेने के लिए, तो मैम ने इसलिए बोला। वैसे इन लोगों के तो मज़े आ गए भाई साहब, पढ़ाई वढ़ाई करी नहीं, जिंदगी मजे, साल भर मजे, भाई तुम्हारे तो मजे आ गए हैं, देखो हंस रहा है लड़का, सही है भाई सही है। मतलब इससे ना एक चीज़ ये हुई है कि जो लोग पढ़ने वाले थे ना उनका अटका हुआ है, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट ने ये भी बोला था कि जो पढ़ने वाले लोग हैं हम उनका एग्ज़ाम करवाएंगे, लेकिन कब वो नहीं पता। इससे अच्छा होगा कि लोग एग्ज़ाम अपना एडमिशन ले लें। भाई आपने क्या सोचा, आप क्या करेंगे ज़िंदगी में अपनी? कुछ नहीं देख रहे हो, मम्मी किचन से बोली, इतना मारूंगी ना पापा जी, डाउनलोड कर रहा हूँ अभी, खेलूंगा
इसको फोन नहीं मिलेगा, देखो पबजी डाउनलोड कर रहा है और खेलेगा। स्टंट भी कर लेता, सेल स्टंट करके देख रही एक आध। ओ बहुत दिन हो गया पिटा नहीं है। सो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं मम्मी के पास। मम्मी आप बताओ कि आप क्या चाहती हो कि आपका लड़का क्या बने छोटा लड़का? मुझे उसको पढ़ना और लिखना वो अपना बताए करें, करना उसको है, मुझे क्या। सो मैं बताता हूँ सिंपल। अभी मम्मी कैमरा देख के थोड़ा सा हड़बड़ा गई, लेकिन मम्मी पहले ये बोल रही थी। हम लोगों ने मम्मी से पूछा, मम्मी आप क्या चाहते हैं कि आपका बेटा क्या करेगा? तो मम्मी ने बोला मेरे चाहने से क्या होता, उसको जो बनना होगा वो खुद बनेगा। मैं तो बस अपनी चाहत रख सकता हूँ उसके साथ, लेकिन उसे जो बनना होगा वो खुद बने। वैसे तो मैं बोल रहा था कि साहिल लॉ कर ले, क्योंकि घर में लॉयर का होना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और मैं पहले लॉयर ही बनना चाहता था। बट घर वाले चाहते थे कि मैं उस फील्ड में जाऊँ, तो मैं उसी फील्ड में चला गया। मेरे नाना नानी वगैरह सारे लोग। सो मैंने सिंपल उस मतलब एक चीज़ इसमें ये होती है कि इंसान का माइंडसेट जो होता है ना वो क्रिएट होता है, अगर उसकी सराउंडिंग के थ्रू होता है, उसके पेरेंट्स के थ्रू होता है। अगर आप बच्चे को शुरू से डॉक्टर के बारे में बताएंगे कि हाँ बेटा डॉक्टर ऐसा होता, डॉक्टर ये होता, डायरेक्टर होता, आपने मोस्टली ये देखा होगा जिस घर में ज़्यादा डॉक्टर होता है बच्चा भी जाके आगे डॉक्टर ही बनता है, मोस्टली बता रहा हूँ। तो अगर आप बच्चे का शुरू से बचपन से इसका माइंडसेट अगर क्रिएट करते हैं डॉक्टर के लिए, तो बड़ा होकर बोलेगा हाँ मेरे को डॉक्टर ही बनना है। तो ये एक साइकोलॉजी होती है जो कि आप क्रिएट कर सकते हैं शुरू से। सो ये चीज़ मेरे को क्रिएट कर दी थी 2 साल के अंदर, तो आई डिसाइडेड कि मैं वही करूँगा। लेकिन 10th क्लास में मैंने लॉयर सोचा था। सुनो कुछ भी करना, अपने दोस्तों से मत पूछना कि भाई तू क्या कर रहा है, ठीक है? ये बड़ी गंदी चीज़ होती है, भाई तू क्या कर रहा है, चल ठीक है मैं भी वो कर लेता हूँ। अब पबजी नहीं खेलेगा अब तू? मम्मी ये पबजी खेल रहा है दोबारा। तो वैसे यहाँ पे सारी की सारी बुक्स निकाली, वैसे साहिल भैया को ना हमारे समझ नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या। तो ये सारी की सारी बुक्स निकाल के देख रहे हैं कि किसकी पढ़ाई कठिन है, किसकी पढ़ाई आसान है। वैसे ये सारी की सारी हम लोगों ने बुक्स निकाल ली और ये सारी दोबारा रख दी। ये सारी की सारी हमारी 11th क्लास की बुक्स हैं, इसके ऊपर रखी जाएंगी 12th क्लास की बुक्स। और ये साइड में मेरा वाला, इसमें बुक्स काफ़ी कम है क्योंकि सारी की सारी जो बुक्स होती हैं वो मोस्टली फ़ोन में ही होती हैं। और दिस इज़ रिब, ये कौन सी रिब है मुझे नहीं पता। और ये यहाँ से टूट गई और लाइट फ्लैश से गर्म हो जाता है मेरा फ़ोन तो बंद हो जाता है। ये वन प्लस नॉट की थोड़ी सी दिक्कत है, ये मेरे को धीरे धीरे अब समझ में आया। देख भी रहा है ये? आप बताओ आपने क्या सोचा? ये अच्छा लग रहा है देखने में, देख रहे हो ये असाइनमेंट है। क्रिएटिविटी कितनी ज़्यादा लगाई गई है इसमें, लेकिन फिर भी ये मेरा नहीं है, ये लग रहा है दोस्त का है। अच्छा दोस्त का है, सोच रहा हूँ। दिव्यांशु तेरा इससे और ज़्यादा घटिया होगा अगर होता तो। ये देखो ये शीट फाड़ के इसके ऊपर लगाई गई है, देन इसके साइड साइड में डिज़ाइनिंग करी गई है, फिर भी ये मतलब ठीक है, अच्छा लग रहा है। सर भैया ये तो बताओ आप लोगे क्या, मतलब सोचा क्या है आपने? आपने आपका जिंदगी में मोटिव क्या है, आपका जिंदगी में बनना क्या है, कुछ सोचा है जिंदगी में? अभी तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, जो तुमने बताया वही सोच रहा हूँ कि ले लूँ। साहिल भैया यहाँ पे शोएब भैया से बात कर रहे हैं कि मैं 10th क्लास में क्या लूँ, और ये यहाँ पे बैठ के ब्रश कर रही है और यहाँ पे ये बात कर रहा है। ये बहुत ही डिफरेंट फेज होता है इंसान की जिंदगी में कि वो 10th क्लास में कौन सी स्ट्रीम ले। मतलब इतना दिमाग भी नहीं होता इंसान के पास उस टाइम पे कि वो सोच सके, तो बड़े लोगों से ही पूछता है उस टाइम पे। ये टीम मेरे को भी याद है, मेरे को तो इतना याद है कि मैं अपने 10th क्लास का जब रिजल्ट आया था तो उस दिन टकला हो गया था। मेरा सर इतना बड़ा है कि मेरी शक्ल बहुत ज़्यादा वियर्ड लग रही थी टकले में। आई कॉन्ट इवन इमेजिन माई सेल्फ बाल्ड हेडेड। वही बताया हूँ, कानों में से वही निकालो और सुनो ठीक से, समझ नहीं आता तुम्हें? जरा सी अकल नहीं है तुम्हारे अंदर? ये किस चीज का हलवा बना रही हो मम्मी? बराबर से चलाना लगे ना। हाँ हलवा बनवाने के लिए मम्मी ने मेरे को दिया ड्राई फ्रूट्स काटने के लिए, मेरे रोजे का फायदा उठाते हुए, क्योंकि अगर रोजा नहीं होता तो फिर ये आधे हो जाते। और ये जो प्रोडक्ट मेरे हाथ में है, सॉरी ये जो औजार मेरे हाथ में है, इसको बोलते हैं सरौता। बेसिकली इसको सुपारी काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इससे ये सब काटने में काफी ज्यादा ईजी होता है और आसान होता है। खच खच। पागल है बिल्कुल, पिटेगी तू। क्या कह रहा है? अभी देखा ना पानी डाला इसने मेरे ऊपर। मैंने नहीं डाला। दिख रहा है?
मान लो दिल्ली में लॉकडाउन लगा हुआ, लॉकडाउन की वजह से डिलीवरी वगैरह कितनी ज़्यादा लेट हो रही है आजकल वो हम सब लोग जानते हैं, सिर्फ असेंशियल आइटम्स की ही डिलीवरी हो रही है। तो हमने जो खजूर अपने ऑर्डर किए थे वो भी तक आए नहीं, तो खजूर नहीं है मतलब मीठी कोई चीज़ नहीं है, तो इसलिए मम्मी हलवा बना रही है। वैसे मुझे नहीं लगता कि लॉकडाउन बोला था ना कि मतलब एक हफ्ते पहले बोला था एक हफ्ते 8 दिन के लिए, फिर दोबारा से उसको 8 दिन के लिए, मुझे नहीं लगता कि दोबारा से वो खुलेगा क्योंकि जो कोविड के केसेस है वो बहुत ज़्यादा है और मिड ऑफ मे तब तो बिल्कुल भी नहीं खुलना, मतलब 15th of May में जो कोविड के केसेस होंगे वो पीक पे होंगे, तो तब तक लॉकडाउन का हटना तो मतलब पॉसिबल सा नहीं लग रहा, देखने में ऐसा लग रहा है, न्यूज़ वगैरह में तो ऐसे ही देखने को मिलता है। तो खैर अभी हमारे घर में बन रहा हलवा क्योंकि हमारे जो खजूर थे वो डिलीवर नहीं हुए जो कि हमने अमेजोन से ऑर्डर किए थे, डिलीवरी डेट थी वो 25 थी और 28 हो चुकी है, तो इतनी ज़्यादा लेट हो गई है वो। तो खैर जो हमारे खजूर थे वो ख़त्म हो चुके हैं और आज हमारे घर में बन रहा हलवा क्योंकि मीठे से हम लोग रोज़ा खोलते हैं रोज़ डेली। तो खैर आज भी रोजे का कुछ खास पता नहीं चल रहा माशाल्लाह। वो तन्हा कौन है अल्लाहु अल्लाह, बादशाह वो कौन है अल्लाहु अल्लाह, मेहरबान वो कौन है अल्लाहु अल्लाह, क्या ऊंची शान है अल्लाहु अल्लाह। सो गाइस हमेशा की तरह हमारी दस्तरखान बिछ चुकी है और अब इसमें सामान ऐड होंगे। तो हमारे घर में कुछ होना हो लेकिन तरबूज जरूर होता है क्योंकि सबसे पहले खजूर के बाद यही खाते हैं, आज हलवे के बाद ये खाएंगे बिकॉज तरबूज इज़ माई मोस्ट फेवरेट फ्रूट। ये है हमारा हलवा, एक्चुअली इसको मतलब पीस पीस करने का टाइम नहीं था तो हम लोगों ने बस जल्दी जल्दी कटोरी में निकाल लिया और अब 7 से 8 मिनट बाकी हैं बस इफ्तारी होने में, थोड़ी देर सुकून से बैठ जाते हैं। सब खाऊंगा पेट भर के, पहले मैं अपनी जानामाज उठा दूं। बिरयानी का मजा हाथ से ही खाने में बस। आज इफ्तारी में ना पूरा का पूरा डिनर हो गया, बिरयानी वगैरह सब खा ली, पेट एकदम बहुत ही ज़्यादा फुल हो गया, यहाँ तक आ गया बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, समझाऊंगा नहीं लेकिन आप दोनों चीज़ें करके देखेंगे दोनों में आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। लेकिन इफ्तारी के टाइम जब होता है तो उससे 2 से 3 मिनट बाद अजान होती है, तो आप इफ्तारी करिए मतलब थोड़ा बहुत खाइए फिर डायरेक्ट नमाज के लिए चले जाइए, या फिर इफ्तारी का टाइम होता है बहुत सारा आराम से मतलब बैठ के आराम से खा लीजिए सारा घर उसके बाद नमाज के लिए जाइए, दोनों में आपको डिफरेंस पता चल जाएगा आपकी हालत के अनुसार, तो शायद इंशाल्लाह आप समझ गए होंगे। अच्छा हाँ एक चीज़ मैं लास्ट ब्लॉग में समझा रहा था लेकिन मैं समझानी मतलब शायद मैंने ही हड़बड़ी कर दी थी सो उसके लिए सॉरी। तो मैं बता रहा था वहाँ पे कि खाना खाने के बाद एकदम से थकावट क्यों लगने लग जाती है, तो उस टाइम पे होता क्या जब हम लोग खाना खाते हैं तो हमारे ब्रेन का सारा फोकस हमारे एलिमेंट्री कैनाल पे जाता है, फूड का जो हमारा ट्रैक्ट होता है उस पे चले जाता है, सारा ब्लड होता है वो हमारा जो ब्रेन होता है वो सारा का सारा ड्रेन करता है इंटेस्टिनल में, और जो हमारा मसल होती है जो हमारी बॉडी की मसल होती है उसके पास ब्लड सप्लाई हल्की सी कम हो जाती है, हल्की सी नहीं मतलब कम हो जाती है, और जो मोस्ट ऑफ जो ब्लड सप्लाई होती है वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल में जाती है। क्या कर रहे थे यहाँ पे, मोस्ट ऑफ द ब्लड सप्लाई जो होती है वो एलिमेंट्री कैनाल में जाती है जिसकी वजह से हमारी खुद को बताया जाए तो दूसरों को बता रहे हैं। आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट एंड बहुत दिन हो गए पिटी नहीं है इसीलिए इतना बकवास करती है। मैं बता रहा था कि हमारे जो ब्रेन का मेन फोकस होता है वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल पे होता है जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द ब्लड जो होता है वो एलिमेंट्री कैनाल में ड्रेन कर देता है, और जो हमारा मसल वगैरह होता है उसके पास ब्लड सप्लाई कम होती है, इसलिए हम कोई काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा आराम आता है क्योंकि मसल को उतनी अच्छी ब्लड सप्लाई ब्लड मतलब ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलती, ब्लड के अंदर ही ऑक्सीजन मिल के जाती है ना इसीलिए उसको पूरी की पूरी ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिलती जिसकी वजह से हम हल्का फुल्का भी काम करने में फटीक फील करते हैं। स्ट्रेच करो स्ट्रेच स्ट्रेच इनके ट्रेपेजियस में यहाँ पे अबे स्ट्रेच स्ट्रेच कर बोल रहा हूँ। अरे सच में इधर करो, अब देख इसको 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 स्टेबलाइज करो और इसको इधर ले, अब इसको ऐसे देन इसको ऐसे, चल रुक जा अभी वीडियो खत्म कर ले फिर ऊपर गिर जाऊंगा मैं पागल, अभी मैं बच गया सच में गिर जाता मेरा ना वो कहां इधर मैंने फेविक्विक रख रखी थी कहां है फेविक्विक। हां तू पता क्या कर फेविक्विक से मुंह को चिपका ले अपने, बहुत अच्छा काम रहेगा।
ना। और मेरे 200 रुपए दे दिए तू पहले? मैंने एक ब्लॉग डाला था जिसमें हम दिल्ली से यहाँ पे आए थे और इसमें 500-600 रुपए दिए थे। इसकी सास ने मतलब मेरी बड़ी मम्मी ने वो दिए थे 600 रुपए और इसने 200 रुपए मेरे थे, 200 रुपए इसके, 200 रुपए साहिल के थे। ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ लेकिन मैं दोबारा बता रहा हूँ, नहीं दिए तूने मेरे को 500 दिए तुझे, बहुत मारूंगा, 1 रुपए नहीं दिए, 500 रुपए दिए नहीं दिए इसने, झूठ बोल रहा हूँ। मम्मी से पूछाऊंगा मैं, नहीं दिए इसने, ठीक है मम्मी से पूछो। तो खैर गाइस यहां पे मैं अपना ब्लॉग, मम्मी से पूछवा दे, मैं तुझे 200 रुपए दे दूंगी, मतलब मैं ठीक है पूछवा दूंगा। तू पहले पैसे दे, बाद में बात करूंगा बाकी। इधर मैंने फेवर क्विक रखा था। सो गाइस हां यार उससे अपना, हां तू उससे अपना मुंह चिपका लियो। अरे मैं क्यों ढूंढ रही हूं? क्यों तेरा मुंह चिपकाने के? बहुत अच्छा जोक था। सो मैं यहां पे अपना ब्लॉग एंड कर रहा हूं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, ठीक है, ज्यादा लंबा हो गया ना, सो बाय, लव।